नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने ली एसपी व कलेक्टरों की बैठक, कहा लापरवाही व भ्रष्टाचार की शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ली कोर कमेटी की बैठक, कहा हम सबके दायित्व तो भिन्न हो सकते हैं परंतु लक्ष्य एक ही है। और कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप, कहा बेटियों को बचाने में नाकाम साबित हो रही भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर व एसपी की बैठक ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही व भ्रष्टाचार की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को बेवजह दफ्तर के चक्कर न लगवाएं। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। किसी भी जिले से अगर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में कई लोगों को लाभ नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि ध्यान रखें बैंक से राशि आहरण के लिए हितग्राहियों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान भाजपा कार्यालय में रायपुर लोकसभा की कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी के दायित्व भिन्न हो सकते हैं परंतु लक्ष्य सभी का एक ही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम सभी का समर्पण माँ भारती के गौरव निर्माण के लिए है, इसे विश्व गुरु बनाने के लिए है। हम सभी के दायित्व भिन्न हो सकते हैं परंतु लक्ष्य सभी का एक ही है। हम सभी को मिलकर छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा और मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटों से लोकसभा सांसद बनाकर दिल्ली भेजना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह हमारा पुराना मध्य प्रदेश है और वर्तमान का छत्तीसगढ़ है। यह प्रदेश सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लगातार प्रगति कर रहा है। छत्तीसगढ़ आज वायु की गति से आगे जा रहा है, इसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में बड़ी दमदारी से चुनाव जीता है। उन्होंने आने वाले समय में संकल्प लिया है कि फिर एक बार भाजपा सरकार बनेगी, अब की बार 400 पार। रायपुर के अंदर आज मैं मध्यप्रदेश से आकर के अत्यंत प्रसन्न हूँ। रायपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मैंने अपने लोकसभा के प्रत्याशी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ और हमारे सभी वरिष्ठों के साथ मीटिंग में मैंने भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत क्लस्टर की मीटिंग लेने को मुझे आना था। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी विधानसभा की जीत भी पूरी दमदारी से जीते हैं और आने वाले समय में उन्होंने संकल्प किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा सरकार, अब की बार 400 पार। और जो हमारा रिकॉर्ड पिछली 3.5 लाख मतों से जीतने का है, मुझे पूरा भरोसा, सबने आश्वस्त किया है। हमारे कार्यकर्ता अपनी मेहनत के भरोसे से निश्चित रूप से उससे कई गुना ज्यादा वोट से जीतेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायणपुर में 8 छात्राओं से हुई छेड़छाड़ के मामले में शिकायत की जांच के लिए कांग्रेस ने जांच कमेटी गठित की थी। जांच टीम की संयोजक विधायक संगीता सिन्हा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शासन द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच समिति के संयोजक विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि हमारी टीम ने बच्चियों और उनके परिजनों से चर्चा की है। बच्चियों के साथ 2 शिक्षक और हेडमास्टर द्वारा अश्लील हरकत किया जा रहा था और उसमें मुझे तो लगा कि अधिकारी गोलमोल जवाब दिए, क्योंकि हमने एसपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी शाम को मिलने जाता हूं, कल शाम तक कार्रवाई करके अरेस्ट करवा देता हूं। लेकिन आज तक ना उन्होंने अरेस्ट किया गया। अगर उसके बाद हमने उनके पेरेंट्स को कहा कि आप उसमें कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज कीजिए तो वो हुआ, लेकिन अभी तक साइलेंट है। अभी तक ना उसमें सिर्फ एफआईआर दर्ज करके वो पड़ा हुआ है, अभी तक ना उन टीचर को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि उनको संरक्षण दिया जा रहा था। विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच टीम अब तक वहां नहीं पहुंची है, न ही अब तक जिम्मेदार किसी भी शिक्षक पर कार्रवाई की गई है। शासन द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार बेटियों को बचाने में नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस ने तीनों आरोपियों को बर्खास्त करने की मांग की है। वहाँ पे महिला बाल विकास की टीम गई थी, उनके ही संज्ञान में आया और ये घटना का उजागर हुआ। वहाँ पे कलेक्टर का कहना है कि मैंने जांच टीम घोषित किया हूँ,
लेकिन वो जांच टीम घोषित किए बगैर एक 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो एक जांच टीम जाते उसके घर में, बच्चे के घर में पूछताछ करते, तो वो जांच टीम कहाँ घूम रही है? मतलब हमको ये जानकारी चाहिए कि वो जांच टीम है कहाँ पे, कहीं पे कोई जांच टीम नहीं है, सिर्फ गोलमोल कर रहे हैं, अधिकारियों पे पूरा दबाव है, प्रशासन का दबाव है, इसलिए उसको गोलमोल करके उनको अभी तक आपराधिक पास्को अधिनियम में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो तुरंत कार्रवाई होता है, तो क्या आज बच्चियों के साथ कार्रवाई नहीं होगा? और रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में जनता को लुभाने भाजपा ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाया है। मीडिया से चर्चा करते हुए विकास उपाध्याय ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जब महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाए गए थे, उस समय लगता था कि हर परिवार की सभी महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा, पर मुझे अब लगता है कि एक परिवार की एक महिला को लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, जब चुनाव के पहले फॉर्म बनाए गए थे या घोषणा की गई थी महतारी वंदन योजना से पैसा एक मिलेगा हर परिवार को, हर परिवार में 3 से 4 लोगों को मिलना था, लेकिन मैं समझता हूँ अभी एक परिवार से एक महिला को भी नहीं मिला है, कहीं कहीं एक भी महिला को नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं महिला बहनों में आक्रोश है, उनको छला गया है, उनको धोखा दिया। विकास उपाध्याय ने कहा कि KYC फॉर्म भरवाने के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कराया गया, अब फिर से जनता को फॉर्म भरवाया जा रहा है, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, इसलिए जनता को लुभाने के लिए यह सब किया गया है। बैंकों में कतार लगी रही, जो ये पैसा लेने वाले कौन लोग हैं, जो 2000 रुपए महीना कमाते हैं, 3000 रुपए महीना कमाते हैं, उन लोगों ने तो अपना आधा दिन आधा महीना जहाँ काम करते थे वहाँ से तनख्वाह कट गई, बैंक की कतारों की लाइन में खड़े रहे, फॉर्म भराने की लाइन में खड़े रहे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब भारतीय जनता पार्टी फिर जाकर घर घर में फॉर्म भरा रही है जी, झूठ बोलकर लोगों को, जनता को दिग्भ्रमित कर रही है, जनता को। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ, नमस्कार।